जयपुर नाम के गांव में एक किशन नाम का समोसे वाला रहता था। वह लालची समोसे वाला था तथा बचे हुए समोसे को तलकर अगले दिन बेच देता था। गांव में और समोसे का दुकान न होने के कारण सारे गांव वाले उसके पास ही समोसे खाने आते थे। एक बार एक बूढ़ा आदमी किशन के पास समोसे खाने आया था। वह गांव में नया था। उसका नाम रामलाल था। समोसे खाने के बाद रामलाल, अरे भाई, कितने रुपए हो गए? बस 50 रुपए हो गए आपके। क्या 50 रुपए? पर भाई, आपके प्लेट में दो ही समोसे थे और स्वाद में कल का समोसा लग रहा था। तुम्हें तो ढंग से समोसे भी नहीं बनाना आता, किस बात के तुम 50 रुपए ले रहे हो? देख बुढ़ऊ, तो गांव में नया लगता है। मैं समोसे का प्लेट 50 रुपए में ही बेचता हूँ, और वैसे भी मैं कल का बचा हुआ समोसा भी तल कर बेच देता हूँ। गांव वालों को कुछ भी पता नहीं चलता, और तू बताएगा तो तुम्हारे बात का वो लोग यकीन भी नहीं करेंगे। तू क्या कर सकता है? और वैसे भी तुम्हें समोसे का ठेला लगाना इतना आसान काम लगता है, तो तुम क्यों नहीं लगा लेते? चलो, मेरा 50 रुपये निकालो और यहाँ से दफा हो। हाँ, मैं खोलूंगा समोसे का ठेला और गांव वालों को अच्छे अच्छे समोसे खिलाऊंगा। अगले दिन से ही रामलाल समोसे का ठेला खोल लेता है। अरे बुढ़ऊ, मुझे लग रहा था तू तो बात बात में ही ऐसा बोल गया, लेकिन तू तो सच में एक समोसे का ठेला खोल लिया। लेकिन बुढ़ऊ, तेरे समोसे के ठेले में कोई नहीं जाएगा, तू देख लेना। पहले दिन रामलाल के ठेले में कोई भी कस्टमर नहीं जाता है। बेचारा रामलाल बहुत उदास हो जाता है और मन ही मन टूट जाता है। अगले दिन रामलाल के ठेले में एक महिला आती है। वह रामलाल के पास समोसे खाती है। अरे वाह चाचा, तुमने तो समोसे बहुत अच्छे बनाए हैं। उस किशन के ठेले से लाख गुना अच्छा समोसा तुमने बनाया है। वैसे आपका कितना रुपए हो गया? 25 रुपए हो गए बेटी आपके। बस 25 रुपए? उस किशन के पास जाओगे तो 50 रुपए प्लेट लगाता है, और उसके समोसे भी अच्छे नहीं रहते। मैं तो पूरे गांव वाले को बताऊंगी कि तुम सस्ते में समोसे बेचते हो। कुछ महीनों बाद सारे गांव वाले रामलाल के ही ठेले में समोसे खाने आने लगे, क्योंकि रामलाल का समोसा बहुत स्वादिष्ट था और दाम में भी सस्ता था। किशन का धंधा पूरी तरीके से चौपट हो गया था। उसका ग्राहक पहले जैसे नहीं आ रहे थे, बहुत कम ग्राहक आ रहे थे। एक बार उस राज्य के महाराज इस गांव में प्रजापति के साथ आए। महाराज को समोसे खाने का बहुत शौक था। महाराज सबसे पहले किशन के पास समोसे खाने गए। दूर खड़ा रामलाल उसे देख रहा था। महाराज ने समोसे खाने के बाद किशन को बोला, छी छी, इतना घटिया समोसा मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में नहीं खाया। तुम इतना घटिया समोसा कैसे बेच सकते हो? मैं तुम्हें इस राज्य में समोसे बेचने का अधिकार नहीं दे सकता। तुम इस राज्य में समोसे नहीं बेच सकते। इस समोसे में तो सड़ा हुआ बदबू आ रहा है। तुम ऐसा समोसा हमारे राज्य में नहीं बेच सकते। मुझे क्षमा कर दीजिए मालिक, मैं आज से ऐसे समोसे कभी नहीं बेचूंगा। मेरे बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे। कृपया मुझे समोसे का ठेले लगाने दीजिए। ठीक है, लेकिन अगली बार से ऐसी गलती कभी नहीं होनी चाहिए, वरना तुम्हें सीधा फांसी की सज़ा दी जाएगी। कुछ समय पश्चात महाराज रामलाल के ठेले में समोसे खाने के लिए आया, और महाराज समोसे खाने के बाद बोला, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, ऐसा समोसा मैंने ज़िंदगी भर में नहीं खाया। कल मेरी बेटी का जन्मदिन है, तुम मेरी बेटी के जन्मदिन में ऐसे ही समोसे बनाओगे। तो बच्चों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और ना ही घमंड करना चाहिए। अगर आप सभी लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।